सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। हाइट बढ़ाने के लिए मैं कहता हूं कि आपको वेट ट्रेनिंग करना है। वेट ट्रेनिंग करने से आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, साथ ही साथ आपका मसल्स बढ़ता है, आपका ऑर्गन स्ट्रांग होता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वेट ट्रेनिंग कर नहीं पाते हैं। वेट ट्रेनिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग कर नहीं पाते हो, आप बस रनिंग कर सकते हो, आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो हाइट बढ़ाने के लिए, तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा? देखो, बैठे रहने से अच्छा है कि आप फिजिकली एक्टिव रहो। अगर आप बैठे रहेंगे तो ये आपका जो मशीन है ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा एंड आपको हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इवन जो आप खाना खा रहे हैं, अगर आप न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, वो भी आपका बॉडी तक प्रॉपरली नहीं पहुँचेगा। तो जिनको भी हाइट बढ़ाना है, उनको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि मैं हमेशा फिजिकली एक्टिव रहूँगा। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगा, आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज करेगा, जो खाना खाएंगे वो आपका बॉडी प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, हार्मोनल बैलेंस रहेगा, आपका फोकस अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो फिजिकली एक्टिव रहने का बहुत सारा फायदा है। एंड जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है, आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर हाइट ग्रोथ। उसके लिए आपको मेरा मेल आईडी में कॉन्टैक्ट करना है एंड ट्रेनिंग का चार्जेस बहुत ही लो है। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि आप मेरा गाइडेंस पर रहेंगे। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टोटली आप मेरा गाइडेंस पर रहेंगे। तो अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कॉन्टैक्ट करना। एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। मतलब ये कि आप अपना घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हो, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा एंड आप बिंदास ट्रेनिंग ले सकते हो एंड अपना हाइट को बढ़ा सकते हो। सो, जब हम लोग को हाइट बढ़ाना है तो सबसे पहले हम लोग को फोकस करना है अपना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे एंड आपको ट्राई करते रहना कि आपका बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फिट हो एंड हेल्दी हो। जितना फिट, हेल्दी एंड स्ट्रांग रहेंगे, आपको हाइट बढ़ाने में उतना ज़्यादा फायदा होगा। एंड यस, आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहना चाहिए। अगर आपको उम्र 50 साल है, फिर आप रनिंग स्टार्ट करेंगे, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होगा। तो 25 साल तक बहुत सारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है, 18 से स्टार्ट हो जाता है ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होना, लेकिन सारा ग्रोथ प्लेट्स क्लोज नहीं होता है, बहुत सारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा, जब तक आपका एज 25, 26, 27 नहीं होता, तब तक आप हाइट बढ़ाने के लिए पूरा ट्राई करो। आपको रिजल्ट्स मिलेगा, लेकिन स्लो रिजल्ट मिलेगा। आपको पेशेंस दिखाना है, आपको दिमाग में ये बैठाना कि मैं ये सब चीज़ रोज करूंगा एंड ये सब करना आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हो तो फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा एंड उस दिन आप सोचेंगे कि भैया कहते थे कि यार ये सब करो, ये सब करो, मैं नहीं करता था एंड आज मुझे ये बीमारी हो गया, काश मैं वो सब करता एंड मुझे ये बीमारी नहीं होता। तो एक रिसर्च हुआ था एंड उसमें ये पाया गया है कि जो लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते हैं, उनका बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बूस्ट करता है। तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस क्या है? जिसमें आप पेस को बढ़ाते हो, स्पीड को बढ़ाते हो, जैसे कि रनिंग। रनिंग करना मतलब उतना फास्ट नहीं, लेकिन रनिंग का एडवांस फॉर्म होता है स्प्रिंटिंग। तो जब आप स्प्रिंटिंग करेंगे तो ये हो गया एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को आप ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है? आपका ग्लाइकोजन स्टोर से। आपका बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, वहाँ से आपका बॉडी एनर्जी लेता है एंड जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपका बॉडी वहाँ से एनर्जी लेता है। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज मतलब HIIT ट्रेनिंग, आपका बॉडी एनर्जी लेता है आपका ग्लाइकोजन स्टोर से एंड जो आप कार्ब्स खाते हैं वहाँ से लेता है। एंड जब आप रनिंग करते हैं, मतलब जॉगिंग करते हैं, तो इसका पेस स्लो है, तो आपका बॉडी एनर्जी लेता है आपका फैट से। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि किसको रनिंग करना है, किसको स्प्रिंटिंग करना है, किसको वॉकिंग करना है। सो, किसी को अगर हार्ट का बीमारी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वॉकिंग, बिकॉज ये स्लो पेस है एंड ये आपका बॉडी में उतना ज़्यादा दबाव नहीं डालता है। तो आप वॉकिंग कर सकते हो 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए। एंड जब आप वॉकिंग करते हो, आपका बॉडी एनर्जी कहाँ से लेता है?
आपको फैट सेल से। तो अगर आप मोटे हो तो आप वॉकिंग जरूर कर सकते हैं, बिकॉज आपका चर्बी घटेगा। एंड वजन बढ़ाना या वजन घटाना ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना कैलोरीज खा रहे हो। अगर आपको वजन घटाना है तो आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है, एंड अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको मेंटेनेंस से ज़्यादा कैलोरीज खाना है। तो जब आप वॉकिंग करेंगे तो आप कुछ कैलोरीज बर्न करेंगे, तो क्या होगा, उससे आपको वेट लॉस करने में फ़ायदा होगा। एंड जब आप कम खाएंगे तो आपका बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग एनर्जी कहाँ से लेगा, फैट से लेगा, तो आपका चर्बी घटेगा एंड आप अपना वेट को लॉस कर पाएंगे। फिर आता है रनिंग। रनिंग एक मीडियम पेस एक्सरसाइज है, एंड ड्यूरिंग रनिंग आपका बॉडी एनर्जी लेता है फ्रॉम योर फैट सेल्स, लेकिन आप ज़्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वॉकिंग एक स्लो पेस एक्सरसाइज है, तो आप बहुत देर तक चल सकते हैं, मे बी आप 10 घंटा तक चल जाएंगे, लेकिन आप रनिंग उतना देर तक नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम आप 1 घंटा दौड़ लेंगे, 1.5 घंटा दौड़ लेंगे। फिर आता है स्प्रिंटिंग, ये बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, आप पूरा अपना बॉडी का दम लगाते हैं, तो आप हार्डली 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक दौड़ पाएंगे, फिर आप थक जाएंगे। तो जब आप स्प्रिंटिंग करते हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप कैलोरीज बर्न करते हो, लेकिन आफ्टर एक्सरसाइज स्प्रिंटिंग का एक आफ्टर बर्न इफेक्ट है। मतलब जब आप रेस्ट करेंगे तब भी आपका बॉडी कैलोरीज बर्न करते रहेगा, साथ ही साथ जब आप स्प्रिंटिंग करेंगे आपका मसल मास इंक्रीज होता है। तो इसके लिए आपको स्प्रिंटिंग के साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट लेना है, एंड आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज में खाएं। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि आप मोटे हो, पतले हो, आपका वेट क्या है। मैं आपको बिना देखे कैसे बता सकता हूं, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपको कैलोरीज थोड़ा कम खाना है, मतलब आपको मेंटेन से कम कैलोरीज खाना है। अगर आप बहुत पतले हो तो आप कैलोरीज को ज्यादा बढ़ाओ, ठीक है, फिर आप स्प्रिंटिंग करो। एंड अगर आपका वेट अच्छा है, आप हेल्दी हो, फिर आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज में खाओ, आप मसल मास भी गेन करेंगे, आपका बॉडी एजेस भी रिलीज करेगा, साथ ही साथ आपका हाइट बढ़ेगा। स्प्रिंटिंग करने से आप माइक्रोफ्रैक्चर भी क्रिएट करते हो, जो आपको हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपका बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है, आपका बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा रहता है, इसका आफ्टर बर्न इफेक्ट रहता है। लेकिन वॉकिंग एंड रनिंग का आफ्टर बर्न इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप स्प्रिंटिंग करते हो आपका बॉडी एनर्जी यूज करता है फ्रॉम योर कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मतलब आपका ग्लाइकोजन स्टोर से एनर्जी लेता है, आपका फैट सेल से एनर्जी नहीं लेता है। एंड जब आप रनिंग करते हो, आप वॉकिंग करते हो, आपका बॉडी फैट सेल से एनर्जी लेता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना वर्कआउट रूटीन में तीनों को मिक्स करो, फिर आपको तीनों का फायदा मिलेगा। तो आपको अपना बॉडी को लीन मेंटेन करने में बहुत फायदा होगा, साथ ही साथ आप 10 से 15 मिनट थोड़ा रनिंग कर लो, फिर आप 10 से 15 मिनट स्प्रिंटिंग करो, तो आपको तीनों का फायदा मिलेगा। आपका बॉडी लीन रहेगा, आप ज़्यादा एजेस रिलीज करेंगे, माइक्रोफ्रैक्चर होगा, आपका बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगा, एंड ओवरऑल आप एक अच्छा वर्कआउट करेंगे। तो वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले आप स्ट्रेचिंग जरूर करना, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप स्ट्रेचिंग जरूर करना, इससे आप इंजरी फ्री रहेंगे, आपको हाइट ग्रोथ करने में बहुत फायदा होगा। अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक्सरसाइज करने से नहीं होता है, आपको एक्सरसाइज से तभी फायदा मिलेगा जब आपका डाइट 100% है, वरना आपको 0% रिजल्ट मिलेगा। डाइट सबसे मेन है, बाहर का चीज़ बिल्कुल अवॉइड करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन फूड्स खाओ, अच्छा घर का खाना खाओ, तेल का चीज़, मीठा चीज़ इसको अवॉइड करो। फिर रात में आपको सही से सोना है, फोन देखने से नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब करते रहो, लंबे टाइम तक करो, 2 दिन 1 दिन, फिर आप 1 महीना कर लिए, 2 महीना कर लिए, फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट है रात में सोना, जितना इंपॉर्टेंट है सुबह बाथरूम जाना, उतना इंपॉर्टेंट है डेली एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, ठीक है। तो वीडियो कैंड करना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ, एंटिल प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।